दोनों गवाहों ने अपने मुकदमों में जो FIR लिखाई है उसका समर्थन करते हुए बयान किया मुल्जिमान की शिनाख्त की, और ये भी बताया कि उनके जो मकान तोड़े गए उस स्थान पर मोहम्मद आजम खां के कहने पर लोगों ने मकान तोड़े थे और उस जगह उनका RPS स्कूल बनाया गया है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वर्ष 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार में रहे ताकतवर मंत्री आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। चक्रोड व किसानों की भूमि कब्जाने से लेकर बकरी चोरी तक के मामले उन पर दर्ज हुए। बहरहाल आजम खान 2 साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। इधर रामपुर की MP MLA कोर्ट में उनके विरुद्ध कई मामले चल रहे हैं। इनमें से बकरी चोरी व पशु चोरी के मुकदमे में पेशी के दौरान गवाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम खान और अन्य मुलजिम की शिनाख्त कराई गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के वर्तमान शहर विधायक आजम खान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कानूनी गिरफ्त में आते चले गए। उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। वर्तमान समय में वे लगभग 2 साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। वहीं उनसे जुड़े कई मुकदमों में रामपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई जारी है। इनमें से शहर कोतवाली अंतर्गत यतीम खाने से जुड़े 2 पशु चोरी के मुकदमे भी हैं, जिसमें मुकदमा गवाह द्वारा अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में बंद आजम खान की शिनाख्त कराई गई, जबकि इसी मामले में जमानत पर रिहा हो चुके अन्य आरोपियों की कोर्ट में हाजिरी के समय इसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया। MP MLA कोर्ट सेशन कैडर रामपुर के समक्ष 2 मामले विचाराधीन थे, जिसमें साक्ष्य के लिए गवाह तलब किए गए थे। दोनों मामले यतीम खाने से संबंधित प्रकरण में गवाह पेश हुए। दोनों गवाहों ने अपने मुकदमों में जो FIR लिखाई है उसका समर्थन करते हुए बयान किया मुलजिमान की शिनाख्त की, और ये भी बताया कि उनके जो मकान तोड़े गए उस स्थान पर मोहम्मद आजम खां के कहने पर लोगों ने मकान तोड़े थे और उस जगह उनका RPS स्कूल बनाया गया है। उनके मकान, उनके परिवार और उनके जानवर वहां बनते थे, वहां पर जानवर खोल दिए गए थे, जिनमें से बाद में पुलिस ने रिकवरी करके कुछ जानवर बरामद भी कराए थे। तो इसमें गवाहों ने जो मुलजिमान है आरोपी जो थे उनको पहचान हुई, उनको पहचाना गया है? जी हाँ बिल्कुल, वादी मुकदमा ने बताया है कि घटना के समय कौन कौन लोग मौके पर फोर्स के साथ और भीड़ के साथ आए थे, बुलडोजर के साथ आए थे, उन्होंने मकान तोड़े, और घटना से 2 दिन पहले मोहम्मद आजम खान खुद वहाँ मौके का मुआयना करके गए थे। उन्होंने कहा था जगह मुझे खाली चाहिए, मुझे स्कूल बनाना है। तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजम खान भी कल पेश हुए? जी, जो मुलजिम जेल में है उनकी शिनाख्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, और बाकी मुलजिम जो जमानत पर रिहा है वो हाजिर अदालत आए।